I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो भाई लोग, स्वागत है आपका कानपुर अमृतसर के एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग देखेंगे इंडिया की फास्टेस्ट डेवलपिंग मेट्रो जो कि 24/7 बनाई जाती है, UPMRC ऐसा क्या करती है रात को जो पूरे देश की कोई मेट्रो कॉरपोरेशंस आज तक नहीं कर सकी। तो चलिए गाइस, इस अनोखे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए गए, वहीं से जहाँ से हमने पिछला ब्लॉग छोड़ा था, जो कि था IIT स्टेशन। और आप यहां देख सकते हैं IIT स्टेशन के दूसरे फ्लोर का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं ये जल्द से जल्द पूरा होगा। हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था जो कि ये है। ये हो सकता है गाड़ी आगे खड़े करने के लिए यार्ड बनाए, स्टेशन बनाए। वहाँ पे अवेलेबल लोगों से पूछने के बाद हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। कपिल कुमार, अ शाउट आउट टू यू ब्रो। सबसे पहले हम अगले वीडियो में इसका जवाब पता करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितना जाम और डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा रात को, और बहुत ज़्यादा धूल होगी। आप अपने अपने चश्मे अपने साथ लेके आइएगा। और ये हम लोग बस पहुँच चुके हैं कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन की तरफ, और आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे डबल टी गर्डस काफ़ी लगाए जा चुके हैं और अभी और भी लग रहे हैं। और पहले फ्लोर का काम बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड सेंटर तीनों जगह पे बहुत ही अच्छी स्पीड से काम हो रहा है। ये 9 किलोमीटर लंबा रास्ता है मोती झील तक का, जिसे UPMRC बहुत ही तेज़ी से बना रही है, और ये 2 साल के अंदर UPMRC को कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मुझे लगता है कि UPMRC कर देगी। हम लोग आ चुके हैं डाइवर्जेंस के दूसरी साइड पे, और ये आप इंपीरियल हाइट्स को देख सकते हैं अपने सामने। और ये देखिए, यहाँ पे यू गर्डर्स लगाने का काम किया जा रहा है। एक रात में UPMRC कोशिश करती है 2 से 4 यू गर्डर्स लगाए जाने की। आप जैसा कि देख सकते हैं, यू गर्डर्स लगाना एक बहुत ही रिस्क का काम है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाए जाते हैं ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति या हानि ना पहुँचे। अब हम यहाँ से चलते हैं हमारे अगले स्टेशन की ओर। अब हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं हमारे अगले स्टेशन, जो कि है SPM हॉस्पिटल। और SPM हॉस्पिटल पे भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं हमारे अगले स्टेशन की तरफ, जो कि है कानपुर यूनिवर्सिटी। आप लोग यहां देख सकते हैं कि कितना जाम लगता है। जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जाम आपको प्रॉपर एंटरटेनमेंट देगा, और जाम में गाड़ियों में जो म्यूज़िक बजता है वो भी आपका मनोरंजन करेगा। अब हम लोग यहां पहुंच चुके हैं CSJM यूनिवर्सिटी स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर्स का काम अप्रॉक्स पूरा हो चुका है, और जो सेंटर में लैंड एक्वायर करी गई थी, जैसा आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, वहाँ पर भी अब पिलर्स लगाए जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं रावतपुर स्टेशन की ओर, और यहाँ रावतपुर स्टेशन पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीड से काम हो रहा है, और बाकी स्टेशन्स के बराबर काम हो चुका है। अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं हैलेट हॉस्पिटल की ओर, और यहाँ पे भी पिलर्स लगाने का काम बहुत स्पीड से किया जा रहा है।
और मोती झील स्टेशन पे भी बहुत ही स्पीड में काम हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक डाइवर्जेंस पार करने के बाद यहाँ से हम लोग पहुँच जाते हैं मोती झील स्टेशन पे, और यहाँ पे भी UPMRC बहुत ही अच्छी स्पीड में काम कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोती झील पार्क है राइट साइड में, और यहीं से अब हम लोग अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। थैंक यू आप लोग का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें अपने ओपिनियन, अपने रिव्यूज़, अपने थॉट्स और अपनी डिमांड्स बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय। हम लोग आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।